This conference will now be recorded. Now guys, we start the session. IAM क्या है? अगर मैं IAM की बात करता हूँ, it is a control panel of AWS. IAM is a control panel AWS. ये क्या है आपका कंट्रोल पैनल है किसका? AWS का. तो IAM इज अ कंट्रोल पैनल ऑफ AWS. विद द हेल्प ऑफ IAM क्रिएट यूजर्स ग्रुप policies and roles. Then provide policies to specific roles, group and users. So AWS provide two types of policies. Standard policy provide and create by AWS and custom policies created by root user. एक आपके होते हैं स्टैंडर्ड पॉलिसीज और एक होती है कस्टम पॉलिसीज. कस्टम पॉलिसीज क्रिएट बाय रूट, यानी कि आप लोग क्रिएट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. लाइक कि अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन है, तो पॉलिसीज के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आती है सर्विसेज. सबसे पहले हमारी क्या आती है? सर्विसेज. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, तो देयर इज एन नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल. मल्टीपल सर्विसेज क्लाउड के अवेलेबल है. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट EC2, S3, RDS, EFS, Route 53 and many more. तो गाइस दीज आर द सर्विसेज जिनको हम पढ़ रहे हैं. अभी हमने इसमें से EC2, S3, रूट 53 ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. नाउ अब हमें क्या करना है? सर्विसेज के बाद आता है कस्टम पॉलिसी. पॉलिसी पॉलिसी का मतलब है क्रिएट क्रिएट कस्टम पॉलिसी बाय रूट यूजर. तो मैं अभी यहाँ पे किस यूजर से लॉगिन हूँ? रूट यूजर से, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है गाइस, ये कौन सा अकाउंट है? रूट यूजर से मैं लॉगिन होके काम कर रहा हूँ क्लाउड पे. नाउ आई एम क्रिएट अ टू पॉलिसीज. सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर दो पॉलिसीज अपनी क्रिएट करी है. दिस इज पॉलिसी 1 एंड दिस इज पॉलिसी 2. एंड इस पॉलिसीज के साथ मैंने अटैच कर दिया पर्टिकुलर इस सर्विस को. एंड नाउ आई एम अटैच अ पॉलिसी विद दिस सर्विस. दैट मीन्स मैंने इस पॉलिसी का नाम दे दिया पॉलिसी 1 एंड EC2 -- फुल एक्सेस. एंड आई एम गिव द दिस नेम इज पॉलिसी 2
EC S3 hyphen pull access. यानी कि मैंने क्या करा है कि जब भी आप पॉलिसी बनाओगे तो आपको क्या क्रिएट करना है, सर्विस है, तो सर्विस के साथ साथ इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में आपको अपनी पॉलिसीज भी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी कि जो भी आप सर्विस के लिए, जिस भी सर्विस के लिए आप पॉलिसी क्रिएट करना चाह रहे हैं. तो फर्स्ट यू क्रिएट अ सर्विस, देन क्रिएट अ पॉलिसीज. व्हेन यू क्रिएट अ पॉलिसीज, तो वहां पे आपके पास मल्टीपल मोर देन 100 से ज्यादा पॉलिसीज एक सर्विस की मिलेगी. आप सिर्फ रीड के राइट देना चाहते हैं, डिलीट के राइट देना चाहते हैं, रिमूव के देना चाहते हैं, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी राइट्स आप देना चाहते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, वो उस चीज से रिलेटेड पॉलिसी. लाइक कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनको देना चाहता हूँ कि S3 बकेट्स को सिर्फ क्रिएट कर सके, बट मैंने इनको दे दिया S3 के फुल एक्सेस. मैंने आपको दे दिया कि यू कैन क्रिएट अ EC2, ठीक है ना, तो या EC2 रीड के राइट्स में देना चाहता हूँ, या क्रिएट के राइट्स देना चाहता हूँ, या डिलीट के राइट्स देना चाहता हूँ, व्हाटएवर जो भी पॉलिसीज मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना रहे. बेसिकली हम लोग क्या डिलीट से रिलेटेड पॉलिसीज हर किसी को नहीं देते हैं. गॉट इट? सो मॉनिटरिंग से रिलेटेड, सो जो भी पॉलिसीज आपको क्रिएट करनी है वो आप यहाँ पे पॉलिसीज में आके क्या करोगे, क्रिएट. नाउ उसके बाद हमारे पास थ्री ऑप्शन आते हैं. वो थ्री ऑप्शन कौन कौन से हैं? द पॉइंट ऑप्शन नंबर 1 यूजर, ऑप्शन नंबर 2 ग्रुप, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज रोल. आपकी जो पॉलिसीज हैं, या तो आप उसको यूजर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, या आप उस पॉलिसीज को आप अटैच करना चाहते हैं सो ग्रुप के साथ, रोल्स के साथ अटैच कर सकते हैं. या आप चाहो तो अपनी पॉलिसीज को रोल के साथ भी अटैच कर सकते हैं. अब कि मेरा एक डिपार्टमेंट है, लाइक दिस इज माय वन डिपार्टमेंट, दिस इज माय वन डिपार्टमेंट इज अवेलेबल, एंड इन दिस डिपार्टमेंट एंड दीज आर द 100 यूजर इज अवेलेबल. मेरे यहाँ पे 100 यूजर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ यूजर इज 100, लाइक यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3. अब मैं चाहता हूँ कि इस 100 यूजर्स में से 50 यूजर जो वॉक करते हैं वो मेरे स्टोरेज के अंदर करते हैं, स्टोरेज टीम के अंदर 50 यूजर्स वॉक करते हैं. तो 50 यूजर वॉक इन स्टोरेज, एंड नाउ एक और मेरी टीम है, इसके अंदर भी क्या है कि मेरी एक और टीम है EC2. Now the 50 users मेरे यहां पर भी काम करते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने मेरे पास 100 हैं, जिसमें से 50 यूजर्स EC2 के लिए वर्क करते हैं और 50 यूजर्स वर्क करते हैं किसके लिए, स्टोरेज. सो आप कौन सी पॉलिसी लगाएंगे, रोल बेस्ड पॉलिसी, ग्रुप बेस्ड पॉलिसी, या यूजर बेस्ड पॉलिसी? गाइस बताइए कौन सी पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करेंगे. गाइस यहाँ पे जो पॉलिसीज आपकी इम्प्लीमेंट होगी, कि अगर मैं एक यूजर पे पॉलिसी लगाता हूँ मेरे को अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट लगते हैं, तो 50 यूजर्स पे पॉलिसी लगाने में कितना टाइम जाएगा? काफी टाइम चला जाएगा. और अगर मैं ग्रुप पे पॉलिसी लगाता हूँ तो मेरे पास पॉलिसी लगने में हार्डली 5 मिनट लगने हैं. और ग्रुप का रूल है कि अगर आपने ग्रुप पे पॉलिसी लगाई तो उसके अंदर जितने यूजर्स हैं उन सब पे भी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी. तो मैं यहाँ पर किस पे पॉलिसी लगाऊं? अब मेरे पास ग्रुप है तो मैं क्या करूंगा, इन 50 यूजर्स को पहले ऐड करूंगा ग्रुप के अंदर. मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगा और उसके अंदर इन यूजर्स को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा. And now attach a policy. So there's a two ways you can apply policy direct with user,
या तो आप डायरेक्ट यूजर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, ग्रुप आप ग्रुप के साथ भी डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, रोल्स और रोल के साथ भी अटैच कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देयर इज नो एनी पॉलिसी अटैच विद यूजर, बट बाय डिफॉल्ट कोई भी पॉलिसी अटैच्ड नहीं होती है। नाउ कि सपोज करो आई एम क्रिएट अ टू यूजर, आई एम क्रिएट अ वन यूजर, इस वन यूजर इज अमित एंड अनदर यूजर इज राज। मैंने यहाँ पे दो यूजर क्रिएट किए अमित एंड राज। नाउ अगर मैं डायरेक्ट अटैच करना चाहता हूँ, सो लाइक आई एम गिव द एक्सेस कि मैं अमित को एक्सेस देना चाहता हूँ एंड राज को एक्सेस देना चाहता हूँ पॉलिसी टू के, सो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। और मैंने एक और यूजर बनाया लुक लाइक आई एम क्रिएट अ वन मोर यूजर इज लुक लाइक अ राम, आई एम नॉट अटैच एनी पॉलिसी विद राम, तो तीनों में क्या फर्क आएगा गाइस? तीनों में ये फर्क आएगा कि राम कोई भी सर्विस एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने यूजर बनाया है बट यूजर को कोई भी पॉलिसी अलाउ नहीं करे। अमित को मैंने EC2 से रिलेटेड पॉलिसी दे दी, यानी कि अमित सिर्फ EC2 पे वर्क कर पाएगा, उसके लिए S3 RDS CFS रूट 53 ये सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, डिनाई हो जाएंगी। और राज को अगर मैंने S3 स्टोरेज दिया है तो राज के लिए EC2 RDS CFS रूट 53 ये सारी की सारी चीज ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर यूजर एंड ग्रुप गाइस? प्लीज रिप्लाई। So, अब बात हम करते हैं यूजर की, यूजर इंटरफेस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस। एक आपका आता है CLI, जिसको हमने कल करा था। CLI के थ्रू हमने क्या करा था, बकेट्स वगैरह क्रिएट करी थी, रिमेंबर, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। और एक आपका आता है GUI, ग्राफिक यूजर, जिससे आप अभी तक काम कर रहे थे। तो अगर आप यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो यूजर को आप बता सकते हैं कि आपको कि इफ यू क्रिएट अ CLI यूजर और आइदर यू क्रिएट अ GUI, आप यूजर को किस टाइप्स की परमिशंस एलोकेट करना चाहते हैं, यानी कि इंटरफेस देना चाहते हैं कि वो यूजर आपके CLI पे बैठ के काम करे या वो यूजर आपके GUI पे बैठ के काम करे, तो वो सारी की सारी परमिशंस आप एलोकेट कर सकते हैं। और आइदर यू कैन अप्लाई अ पॉलिसी बोथ CLI एंड GUI, आप CLI एंड GUI वाली पॉलिसीज भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो यूजर है वो दोनों पे काम करे एक ही साथ, CLI और GUI, तो आप वो दोनों पॉलिसीज भी एलोकेट कर सकते हो। तो नाउ फर्स्ट हाउ टू क्रिएट यूजर, यानी कि सबसे पहले मैं एक यूजर बना रहा हूं राम नाम से और आई एम नॉट गिव द एनी पॉलिसीज, और उस यूजर को लॉग इन करते हैं। अब गाइस जब भी आप यूजर को लॉग इन करेंगे तो अब आते हैं यूजर लॉग इन इंफॉर्मेशन। तो गाइस जब आप लॉग इन करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है रूट और एक आता है IAM। सो IAM में आपको लॉग इन जो करना है वो किसके थ्रू करना है, IAM के थ्रू। तो यहाँ पे आप दे दोगे यूजर का नेम, क्योंकि हम जो राम नाम का यूजर बना रहे हैं हम IAM के थ्रू बना रहे हैं। तो IAM का जो यूजर है वो रूट पर लॉग इन नहीं होगा, वो कहाँ पे लॉग इन होगा, IAM पे, और सबने देखा भी होगा। सेकेंड कि वो आपसे पूछेगा अकाउंट आईडी, क्या पूछेगा अकाउंट आईडी, का मतलब है कि ये जो यूजर है ये किस पर्टिकुलर रूट ने बनाया है। आइदर या तो आप अकाउंट आईडी यहां पर ऐड करिए अपनी, या आप अकाउंट आईडी आप चाहते हो कि आपके अकाउंट आईडी विजिबल ना हो तो आप उसका एलियास क्रिएट कर सकते हैं। एलियास का मतलब है निक नेम, उसका डुप्लीकेट नेम क्रिएट कर सकते हैं। सो हाउ टू क्रिएट एलियास, सबसे पहले मैं अपने अकाउंट का एलियास क्रिएट कर रहा हूं। सो आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल
एंड सर्च इन IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट देन क्लिक ऑन डैशबोर्ड। और गाइस डैशबोर्ड पे आप यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है अकाउंट एलियास, ये अकाउंट आईडी आ रही है, मैं इसकी जगह क्रिएट कर देता हूं लाइक आरवी इन्फो सिस्टम। मैंने क्या क्रिएट कर दिया, आरवी इन्फो सिस्टम के नाम से मैंने एक यहां पे इलियास रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। Now how to create user, I'm just click on a users, kal maine user create kara tha guys if you remember, I'm delete this user first, now add users and I'm create a three users, main teen users create kar raha hu like Ram, then add user Raj and add another user is like Amit. Now the access policies, ab access policies ki main agar baat karta hu तो एक्सेस पॉलिसीज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि दिस इज अ प्रोग्रामेटिक एक्सेस जो मैं आपको करा चुका हूं एंड दिस इज योर कंसोल एक्सेस AWS मैनेजमेंट कंसोल यानी कि GUI। नाउ गिव द पासवर्ड, सो आई एम जस्ट गिव द पासवर्ड ASD@1234। नाउ दिस इज अ परमिशन, वो एक परमिशन यहाँ पे एलोकेट कर रहा है कि यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। कि अगर आप ये यहाँ पे टिक करते हो, सो अगर आपका यूजर लॉगिन होता है तो आपके पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे और यूजर अपना कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकता है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब यूजर लॉगिन करेगा तो उसके पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस मिले और आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करो तो कर लेना, फिलहाल मैं इसको अनचेक कर दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट वो आप कह रहे हैं परमिशन, I'm not attached any permission. मैं कोई भी परमिशन यूजर के साथ अटैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्रिएट, तो इसने एक्सेस की एंड सीक्रेट की दे दी। अगर आप CLI पे एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं जो हमने कल करा था, सो मैं ये स्किप कर रहा हूँ CLI एक्सेस वाला। एंड नाउ क्लिक ऑन अ क्लोज। अब नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद अमित, तो मेरे को अगर अमित से लॉगिन होना है या किसी भी यूजर से लॉगिन होना है, जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो विंडो एंड सर्च AWS वेब सर्विसेज IAM, और यहां पे वो पूछ रहे हैं आपसे अकाउंट आईडी या इलियास, सो आई एम जस्ट गिव द आरवी इन्फो सिस्टम। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, यूजर नेम इज राम, पासवर्ड इज ASD@1234। Now, so मैंने पासवर्ड चेंज के ऑप्शन नहीं दिए तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज के ऑप्शन आपके पास नहीं आए, बट अगर मैंने वहां पे टिक करा होता तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के भी ऑप्शन आपको मिल जाते। नाउ गाइस अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, लाइक आई एम क्रिएट अ वन की पेयर, क्रिएट अ की पेयर, You are not to authorize the perform operation. आप कोई भी वर्क यानी कि आप डैशबोर्ड पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा API एरर है ना, आप की पेयर वगैरह कुछ भी चीज यहाँ पर नहीं बना सकते। If you go like a S3, वो आपको बकेट तक नहीं रिविजिबल करेगा। You don't have a
परमिशन, यानी कि हमें कोई भी काम करने ही नहीं देगा इफ यू गो फॉर द IAM। क्योंकि मैंने कोई परमिशन ही एलोकेट नहीं करी थी, तो आप देख सकते हैं द एक्सेस इज ना, यू डोंट हैव द परमिशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। क्लियर द पॉइंट? अब मुझे इस यूजर को जो सर्विस का काम कराना है, मैं सिर्फ उसी का ही एक्सेस इसको, लाइक इफ यू आर ए डिपार्टमेंट की राम जो यूजर है ये है स्टोरेज डिपार्टमेंट में वर्किंग, तो मैं क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अ वन परमिशन ऑफ स्टोरेज एंड अटैच विद यूजर। सो मेरे को राम को सपोज करो इस यूजर को एक्सेस देना है S3 का, जो कि अभी क्या हो रहा था इसके लिए डिनाई है। मैं चाहता हूं कि ये यूजर S3 पर वॉक करे, तो नाउ आई एम क्रिएट अ वन पॉलिसी विद द नेम ऑफ S3 स्टोरेज। सो आई एम लॉग इन विद दिस IAM एडमिन पैनल एंड क्रिएट, क्लिक ऑन पॉलिसीज। दिस इज अ स्टैंडर्ड पॉलिसीज। नाउ कुछ डिफॉल्ट कस्टम पॉलिसीज भी बनी हुई है, मैं डिलीट कर देता हूँ कस्टम पॉलिसीज को। देन क्रिएट अ न्यू वन। मैं कोई भी गाइस एग्जिस्टिंग पॉलिसी यूज नहीं करने वाला यहाँ पर। तो देखिए जिसमें लोगो नहीं आ रहा है वो आपकी कस्टम पॉलिसीज है। एंड जिसमें लोगो आ रहा है वो आपकी कस्टम पॉलिसी स्टैंडर्ड पॉलिसीज है। तो AWS मैनेज्ड एंड यहाँ पर यूजर मैनेज्ड बाय यूजर। So wait guys, I'm delete the all policies. So guys, this is a way to delete a policy, but आप default policies को, standard policies को delete मत करना। So this policy is provided by the AWS. Now if you create your own policies, क्योंकि हम तो अपनी policies अपनी need के according create करना चाहते हैं। So now I'm just click on a create policies, then select a service. तो यहाँ पर जितनी भी cloud की services हैं, वो सारे services visible होंगे कि आप किस चीज के लिए अपनी policies create करना। Now I'm create a policy for S3 storage. So now I'm search S3 storage. S3. Now it show the related कि आपको list view से related policy चाहिए, read से, tagging, write से या permission. So अगर आप देखना चाहते हैं expand all करके, तो आप देख सकते हैं this is a permission. ये सारे permission है, आप जो भी permissions allocate करेंगे user को, वही permissions क्या होगी? उस यूजर को पर्टिकुलर मिल पाएगी। गॉट इट द पॉइंट? नाउ आई एम जस्ट गिव द ऑल। मैंने ऑल पे क्लिक करा तो सारी परमिशन हो गई, यानी कि फुल एक्सेस मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है। देन क्लिक ऑन ऑल रिसोर्सेस, सारी चीजों के लिए अलाउ करी है मैंने परमिशंस। देन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड गिव द नेम इज Policy2-S3 full access. And now create policy. Now I'm create a one more policies. Again repeat karta hun guys. So policy 2 ban ke aa gayi, create policies. Now at this time I'm just create a policies for like a EC2. तो हम सर्च EC2, आप यहां से भी सर्च कर सकते हैं। ऑल परमिशन सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल पॉलिसीज, ऑल रिसोर्सेज, नेक्स्ट
Next, give the name is like policy one hyphen EC two. अब वो आपके ऊपर है, रीड एक्सेस बनाई है, राइट एक्सेस बनाई है, या जो भी पॉलिसीज आपने बनाई है, और बाद में भी आप इनमें चेंजेस कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, पॉलिसीज को जब मर्जी मॉडिफाई कर सकते हो. एंड नाउ क्रिएट पॉलिसी. सो गाइस नाउ आई एम जस्ट क्रिएटेड टू पॉलिसीज, पॉलिसी वन एंड पॉलिसी टू. नाउ कि मैं अब अगर एज पर द डायग्राम चलता हूं, तो यहां पर मैं देना चाहता हूं द पॉलिसी वन फॉर अमित and policy 24 Raj. So now I'm just go to how to attach policies with the user. So abhi tak humne users banaye the kyunki humne user policies attach karne ka option jab user bana rahe the tab aa raha tha. So ab hame wo option to hai nahi kyunki user to hamara already bana hua hai. So how to attach policy with existing user, yani ki jo users bane hue hain unke sath policies kaise attach karenge. So now is a simply click on a user नेम. सो आपको यूजर पे जाना है, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन अमित, आई एम क्लिक ऑन अमित यूजर, देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड यू कैन सी द एड परमिशन. देयर इज नो एनी परमिशन इज अवेलेबल राइट नाउ. एड परमिशन, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड सिलेक्ट तो मैंने एक पॉलिसी वन क्रिएट करी थी. नाउ नेक्स्ट एंड एड परमिशन. सेम है कि अगर मेरे को और भी यूजर्स के साथ अटैच करना है तो हम जस्ट गो टू लाइक राम यूजर पे ही कर देते हैं. एंड परमिशंस, एड परमिशंस, तो गाइस अगर आप देखिए कि अगर मैं लॉग इन विद राम यूजर, राइट नाउ आई एम लॉग इन विद राम यूजर एंड गो टू ईसी टू, तो सबसे पहले मैं जाता हूं ईसी टू सर्विस पे एंड इट्स गिव यू द एरर. व्हाई, क्यों एरर दे रहा है? हाँ भाई, जोर से बोल, थोड़ा बताओ भाई क्यों एरर दे रहा है, पीछे सबसे पीछे. हाँ शायद, क्या ध्यान कहाँ था, ध्यान कहाँ है भाइयों? ध्यान कहाँ है आप लोगों का? मैंने इसको परमिशन ही नहीं दी, इसको S3 का एक्सेस नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसको S3 की पॉलिसी दी है, इसलिए ये एरर आ रहा है. सिंपल सा है, सही में कह रहा हूँ. यस सर, इसको S3 का पॉलिसी नहीं. अब पता लग गया बीटेक के बंदे की परसेंटेज इतनी हाई क्यों आती है. गाइस देखिए, आप पढ़ने आ रहे हो ना, मैं आपको एक घंटे से ज्यादा कभी नहीं पढ़ाता, आप सभी को पता है. एक घंटे दिमाग खोल के पढ़ लिया करो, चीजों को लर्न करने की कोशिश करो, लॉजिक्स को समझने की कोशिश करो. नाउ गाइस क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, क्योंकि मैंने इसको राइट्स ही नहीं दिए, क्योंकि मैंने राइट्स इसको दिए हैं S3 के. तो राम को मैंने S3 के राइट दिए थे. तो अब देखिए आपके पास S3 की बकेट क्रिएट करने के ऑप्शन आ गए, जो कि पहले नहीं आ रहे थे. एंड जो मेरी अदर बकेट्स हैं, क्रिएट बकेट व्हाटएवर, जो भी आपको करना है आप यहां से क्रिएट. बट मेरा एक और यूजर था अमित, जिसको मैंने राइट्स किसके दिए थे. नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद AWS मैनेजमेंट कंसोल इन अ डिफरेंट ब्राउजर.
अभी गाइस देखिए मैं यूजर लॉग इन कर रहा हूँ, सो लोग यूजर मेरा डायरेक्ट लॉग इन हो गया है। नाउ द परमिशंस मैंने इसको ईसी टू की दिया, नाम जस्ट क्लिक ऑन ईसी टू और इसके पास कोई एरर नहीं आएगा। गॉट इट, सारे के सारे मेरे ओपन है। एपीआई के लिए यानी कि लोड बैलेंसर के लिए अलग से सर्विस है वहां पर, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो नाउ। बट अगर मैं S3 पे जाऊंगा तो यहाँ पर आपको S3 के लिए एरर आएगा क्योंकि इस यूजर को मैंने वो राइट्स ही नहीं दिया। तो जो भी पॉलिसीज आप क्रिएट करोगे और यूजर के साथ अटैच करोगे वही पॉलिसी एप्लीकेबल। क्लियर एवरीवन? बट नाउ कि अगर मैं यहाँ से पॉलिसीज रिमूव कर देता हूँ, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे EC2 का राइट्स इस पॉलिसीज को मिल रहे थे। सर वो लोड बैलेंसर में एरर क्यों आ रहा है? लोड बैलेंसर की सेपरेट सर्विस है, लोड बैलेंसर के लिए अलग से पॉलिसी क्रिएट करो। नाउ आई एम जस्ट गो टू द एडमिन पैनल एंड एडमिन पैनल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट रिमूव द पॉलिसीज। डिटैच कर दिया मैंने पॉलिसीज, किस पर्टिकुलर यूजर से कर रही है, राम से। एंड नाउ आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन अ यूजर एंड गो टू द अमित यूजर। Remove it. Then अब आता है next कि अगर मैं अब login करूंगा तो क्या ये permissions मिलेंगे ना? अभी ये आपको error यहाँ पे देना start हो जाएगा। Clear? Same as अगर मैं I'm just come to the incognito window. So ये तो था पहला way कि मैंने जो policies attach करी थी वो direct user को। दूसरा वे क्या है कि यू कैन क्रिएट अ यूजर ग्रुप, अटैच पॉलिसी विद ग्रुप एंड ऐड यूजर इन अ ग्रुप। तो नाउ सेकंड वे क्या है पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का, नाउ आई एम जस्ट गो टू द यूजर ग्रुप एंड क्रिएट अ वन ग्रुप। ग्रुप का नाम मैंने दे दिया लाइक EC2-S3 full access group. Got it? Now add users. आप कौन से यूजर एड करना चाहते हो? मैं चाहता हूं राज, अमित और राम। Policies, I'm just attach policies and now create group. So दो यूजर एड हो गए, permission और attach हो गए। Now if you can click on a group, तो अगर आप पॉल्स यूजर्स को रिमूव करना चाहते हैं आप यहां से आके यूजर्स को रिमूव कर सकते हैं। कोई भी परमिशंस को ऐड या रिमूव करना चाहते हैं तो आप परमिशंस पे आके कर सकते हो। एक्सेप्ट ड्राइवर्स है, दिस इज अ स्क्रिप्टिंग पार्ट और अदर। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन IAM। सो अब अगर मैं जाके देखता हूँ यूजर पे, तो इस बार मैंने ग्रुप से दिए पॉलिसीज, तो अब देखिए दोबारा से इन यूजर्स को, अब इस यूजर को कौन सी पॉलिसी मिलेगी, अमित राम को। अब यहां पर मिलेगी दोनों पॉलिसीज, क्यों? क्योंकि मैंने ग्रुप पे दो पॉलिसीज लगाई हैं और ये यूजर उस ग्रुप पर ऐड है। नाउ आई एम जस्ट कम टू द S3 आल्सो। क्लियर? बकेट क्रिएट करने के ऑप्शंस आ गए, इट्स नॉट गिव यू द एनी एवरेज। अब इसके बाद एक और आता है गाइस, मैं अपने यूजर को सिक्योर करना चाहता हूं और भी सिक्योर का मतलब है यहां पर कि आप देखते हैं कभी कभार कि ब्राउजर में आईडी और पासवर्ड सेव रह जाते हैं और क्लाउड एक पेड सर्विस है। मैं कॉन्सेप्ट चाहता हूं ओटीपी का कि यूजर लॉगिन करे तो उसके साथ साथ ओटीपी भी वो पूछे, यानी कि 16 डिजिट का पासकोड मैं एड ऑन करूं यूजर के अलावा। देन मेरा यूजर क्या करे, लॉग इन करे, खाली यूजर नेम और पासवर्ड डालने से यूजर लॉग इन ना करे। गॉट माय पॉइंट? उसके लिए वी आर यूजिंग MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो MFA के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन डाउनलोड अ वन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले एंड दिस ऐप नेम इज, आई एम जस्ट गो टू गूगल। आप ये वाली ऐप डाउनलोड करिए अपने सिस्टम में, नेम इज गूगल ऑथेंटिकेटर।
दिस इज द नेम ऑफ ऐप गूगल, यू कैन डाउनलोड, कोई भी एक कैंडिडेट डाउनलोड करो, करो डाउनलोड भाई, कोई तो करो एक बंदा डाउनलोड, मतलब घर पे प्रैक्टिस नहीं करनी, डाउनलोड करके रख लोगे तो कुछ हो जाएगा। तो ऑनलाइन वाले कैंडिडेट मत करिए, मैं यहीं पे जो ऑफलाइन हैं वो कर रहे हैं, तो डाउनलोड करो यार कोई भी, आपका मोबाइल ही कनेक्ट होगा इस यूजर के साथ, वो जो कोड है वो आपके मोबाइल में जनरेट होगा इस ऐप के अंदर। हाँ तो स्कैन करना पड़ेगा आपको ऐप के थ्रू, किस तरीके से कनेक्ट कराओगे। तो गाइस ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद हमारा हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज दिस कि आई एम जस्ट गो टू आई एम यूजर कंसोल एंड जिस भी यूजर के साथ मुझे मल्टी फैक्टर लगाना है, लाइक कि मेरा एक यूजर यहाँ पे लॉग इन है अभी राम, आई एम जस्ट लॉग आउट, मैंने अभी क्या कर दिया, साइन आउट कर दिया यूजर से, नाउ गाइस आई एम जस्ट गो टू द आई एम एंड क्लिक ऑन राम यूजर एंड यू कैन सी द ऑप्शन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में अगर आपको कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड वगैरह चेंज यहां से कर सकते हैं, पासवर्ड पॉलिसी जो भी चेंज करनी है आप यहां से यूजर का। नाउ द असाइन अ मल्टी फैक्टर डिवाइस, क्लिक ऑन अ मैनेज एंड वर्चुअल एमएफए डिवाइस देन कंटिन्यू, स्कैन द बारकोड, कोई भी एक कैंडिडेट करेगा, कौन कर रहा है, चलिए आप करिए, हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हो गया इनका। नाउ गाइस जब आप ये स्कैन करेंगे सिर्फ गिव यू द कोड, आपको बैक टू बैक दो कोड यहाँ पे ऐड करने हैं, आप मत करो कोई भी यार, बताइए 105 10 10 5 5 3 5 भी है भाई, चेंज होने से पहले बोलना पड़ता है वरना एक्सेप्ट नहीं होगा, दूसरा कोड अपने आप ही आएगा 30 सेकेंड में। तो गाइस दिस कोड वेल और 1 3 5 4 9, तो ये जो कोड है ये 30 सेकेंड के लिए वैलिड होता है, विद इन 30 सेकेंड आपको एड ऑन करना पड़ेगा। नाउ असाइन, तो नाउ यू कैन सी कि यू हैव सक्सेसफुली असाइन अ वर्चुअल डिवाइस। अब जिसके भी मोबाइल से ये कोड मैंने इसके ऐड करा है सिर्फ उसी के मोबाइल पे अगर कोड जनरेट होगा तो ये मेरा यूजर लॉग इन करेगा, अदरवाइज यूजर लॉग इन। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो विंडो अगेन and username is rv info system is my domain, now username is ram, user password is asd@1234, now enter as a multi factor authentication code jo ki aapko apne mobile se add on point se dena hoga, to bataiye code, code always change hota rahega aapka 5405 41, now click on a submit। So जब तक आप अपना MFA add on करोगे तो आपका जो मोबाइल है वो आपके पास फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वो कोड नहीं डालेंगे जब तक आपका यूजर भी लॉग इन नहीं होगा। क्लियर एवरी वन, तो यूजर ग्रुप एंड पॉलिसीज, एनी वन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस 3 पॉइंट, गाइज इज इट क्लियर, पहले सबसे पहले हमारी सर्विसेज है, ये हमारी सर्विसेज है, नाउ आपको किसी भी सर्विस के लिए पॉलिसी बनानी है आपको सबसे पहले सर्विस सेलेक्ट करनी है, देन क्रिएट अ पॉलिसी, उसके बाद पॉलिसीज आपको यूजर के साथ अटैच करना है, सो यू कैन अटैच डायरेक्ट विद यूजर, अगर आपको ग्रुप के साथ अटैच करना है देन अटैच ग्रुप, एंड देन इफ यू क्रिएट अटैच विद रोल सो यू कैन अटैच द पॉलिसी विद रोल।
तो नाउ वी स्टार्ट अ रोल टुडे एंड नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, बताइए.